हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। डीएलएड परीक्षा का परिणाम यहां पर जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डीएलएड परीक्षा का ये परिणाम है। 26 मई को ये परीक्षा हुई थी। 7,51,000 से ज्यादा छात्र इसमें पंजीकृत हुए थे और यह रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। डीएलएड परीक्षा का परिणाम यहां पर जारी किया गया है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रिजल्ट जारी किया। शिक्षा मंत्री ने बता दी 26 मई को ही ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद आज परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से, जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये परिणाम जारी किए। 26 मई को ही परीक्षा हुई थी डीएलएड की, जिसके बाद आज यानी 3 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। सात लाख 51,000 से ज्यादा छात्र इसमें पंजीकृत हुए थे, जिसके बाद आज परिणाम सामने है। हालांकि विस्तार से भी जानकारी देंगे शिक्षा मंत्री भी, किस तरह का परिणाम रहा, कितना प्रतिशत ये परिणाम रहा। और चलिए इसे लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो पंजीयक संस्था है, उसके द्वारा, विभाग के द्वारा इस वर्ष प्री डीएल ईयर एग्जाम, जो प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, एसटीसी वीएसटीसी जो अपन पहले बोलते थे, तो अभी जो प्री ईएलईडी एग्जाम 2019 का रिजल्ट जारी किया गया है। प्रवीण कुमार जो सबसे टॉपर इस एग्जाम में रहा है, 80.471% नंबर उसने प्राप्त किए हैं। लगभग इस परीक्षा के लिए 7.5 लाख के लगभग विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 6,94,000 के लगभग बच्चे अपीयर हुए। उनका रिजल्ट आज प्रमुख शासन सचिव महोदय, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, कमिश्नर साहब, समसा के हमारे तमाम अधिकारी और तमाम जो मालावत जी हमारे इसके इंचार्ज थे, जो विभाग के द्वारा पहली बार ये एग्जाम कराई गई है, बहुत ही पारदर्शिता के साथ में, समय के ऊपर और पिछले कई सालों से जो खर्चा इसके ऊपर किया जा रहा था, उससे बहुत कम खर्चे में ये एग्जाम विभाग के द्वारा पहली बार संपादित कराई गई। मैं सफल हुए तमाम उन परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, जिनका एडमिशन हुआ है, होगा इसके माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छी मेहनत की और उनके मेहनत का परिणाम कि उनको सफलता मिली और ये लोग अब 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद में टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए अपनी जो योग्यता, वो एलिजिबल हो जाएंगे रीट देने के लिए। मैं समझता हूँ इस मौके पर मैं मेरे विभाग के तमाम अधिकारियों का भी, विशेष रूप से हमारे प्रमुख शासन सचिव महोदय का, कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं हम विभाग के माध्यम से ही इस परीक्षा को कराएं। कभी कोई यूनिवर्सिटी, कभी कोई यूनिवर्सिटी कराती थी, और जो नियम है कि आधा पैसा सरकार में जाएगा, खर्चा लगने के बाद में जो बचता है उसमें से आधा पैसा जो संस्था कराती है उसके पास में, वो पैसा उसके उपयोग के लिए रहता है। तो हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय जो करवाते थे, वो फिर उस पैसे का, आधे पैसे का उपयोग करते थे। तो हमने सोचा कि हमारी जो डाइट्स हैं प्रत्येक जिले में,
उनका मुख्य काम ही प्रशिक्षण देना, एग्जाम्स कराना है, तो उनके पास बजट की कमी के कारण से वो एक तरीके से बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स सा हो गया था। वहाँ पर कोई बजट हम लोग सरकार की तरफ से दे नहीं पा रहे थे, तो पहली बार ये प्रयोग किया गया कि क्यों नहीं हमारे विभाग की एग्जाम हम ही कराएं। और पांचवीं और आठवीं के बोर्ड के लिए भी सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम डाइट्स के माध्यम से कराएंगे। तो अब इसमें जो पैसा विभाग के पास में बचेगा, उस पैसे से हम हमारी जो डाइट्स हैं प्रत्येक जिले में उनको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे वहाँ पर आने वाले समय में हमारे टीचर्स का प्रशिक्षण हो, हमारे जो परीक्षार्थी जो आज सफल हुए हैं इनकी वहाँ ट्रेनिंग होगी, वहाँ पढ़ाई होगी, तो उनको सारी सुविधाएं मिले, कंप्यूटर आदि की, बैठने की, पानी की, बिजली की, फर्नीचर की, वो सारी सुविधाएं मिले, तो ये काम भी हम आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक टीम गठित की थी, मालावा जी को संयोजक बनाया था, तो इनकी पूरी टीम को मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही कम समय था लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार किया और विभाग के हित में इन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये समय से पहले रिजल्ट जारी किया है। मैं इनको भी इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस मौके के ऊपर कि 2016 के बाद में पेंडिंग था हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो स्टाफिंग पैटर्न, वो भी हमने पूरा कर लिया है और उसमें भी हमने बहुत अच्छी मैं समझता हूँ जो किया है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहली बार उत्कृष्ट जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनमें सब में एक एक पोस्ट हमने और दी है, जिससे उत्कृष्ट नाम ही नहीं रहे बल्कि। तो डीएलएड परीक्षा का परिणाम यहाँ जारी कर दिया है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने।